जय गुरुदेव फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल जे जी डी एल क्राफ्ट में स्वागत आज इस तरह से हम क्रोशा से दो कलर की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे इसके लिए मैंने ये डार्क ऑरेंज कलर और वाइट कलर सी ड्रेस बनाई है और इसके साथ के हमने कैप भी बनाई है और यहाँ पे मैंने इसमें डोरी डाली है आपके ऊपर ऑप्शन है आप डालना चाहें तो इसे डाल सकते हैं ये हमारे चार और पाँच नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है इस तरह से मैंने इस ड्रेस को ये ग्रे कलर में भी बनाया इसे मैंने डोरी डाली है सिंपल रखा है तो आपको जिस तरह की ड्रेस है? अच्छी लगे उस तरह से आप इसे बना लें तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम सत्रह चैन बना लेते हैं फिर एक चैन और बनाएंगे पहली चैन को स्किप कर देंगे सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए एक रूप हमारा क्रोशिया में रहता है एक हमारे चैन के अंदर इस तरह से लेते हैं पहली चैन को स्किप कर देंगे इस तरह सत्रह चैन के अंदर हम सत्रह सिंगल क्रोशिया बना के अपनी इसरो को कंप्लीट करते हैं इस तरह हमने सत्रह चैन के अंदर सत्रह सिंगल क्रोशिया बना लिए अब शुरू में तीन चैन बनाएंगे को टर्न करेंगे और सभी चैन के अंदर हम एक ही चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया दूसरा हमने बना लिया इस तरह सभी चैन के अंदर में एक ही चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने इसरो को कंप्लीट करते हैं इस तरह बनाते हुए हमने अपनी यूरो कंप्लीट कर ली है इसके अंदर लास्ट में हमारे थर्टी फोर चौंतीस डबल क्रोशा हो गए अब शुरू में हम तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया फिर दूसरी चैन के अंदर हमारा एक डबल क्रोशा हो गया अब तीसरी चैन के अंदर एक ही चैन में हम दो डबल क्रोशा बनाएंगे फिर चौथी चैन के अंदर एक बनाएंगे फिर पांचवी में एक बनाएंगे और छठी के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इससे बनाते हुए इसके लास्ट में आती हूं मैं इससे बनाते हुए इसके लास्ट में हमारे फोर्टी टू बयाली से डबल क्रोशिया हो गया अब शुरू में हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे और अपने वक्त को टर्न करेंगे पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया फिर आगे के इसके अंदर हम पांच डबल क्रोशिया और बनाएंगे पांच चैन के अंदर तो कुल हमारे आगे के हिस्से में छह डबल क्रोशिया हो जाते हैं छह डबल क्रोशिया आगे के पार्ट के हो गए फिर हम नो चैन स्किप कर देंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ इस तरह नो चैन स्किप कर देंगे दसवीं चैन के अंदर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं अब पीछे के पार्ट के अंदर हम बारह डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नौ चैन स्किप कर देंगे फिर आगे के पार्ट के अंदर छः डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह बनाते हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो जाती है और हमारे आगे के पीछे के से डिवाइड हो जाते हैं इस तरह हमने अपने दोनों बाजू बना लिए और आगे के के पीछे के पार्ट डिवाइड कर लिए अब इसके अंदर हम यहाँ पे शुरू में तीन चैन बनाएंगे अपने वक़ को टर्न करेंगे सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं दो रो निकालूंगी आप चाहे तो इसमें एक रो हाफ डबल क्रोशिया भी निकाल सकते हैं अगर आपको लंबाई अधिक लगे तो इसमें मैं ये दो रो निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ डबल क्रोशिया की तो हमारे चौबीस डबल क्रोशिया के अंदर चौबीस सॉरी चौबीस चैन के अंदर चौबीस डबल क्रोशा हो जाएंगे इस तरह इसके अंदर हमने ये दो रो निकाल लिए और हमारे चोली के अंदर कुल पाँच रो हो गई अब इसे यहां स्लिप चैन से जोड़ देंगे हम शुरू में तीन चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हम एक ही चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बना के अपने घेरे ये फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं तीसरे बनाते इसके लास्ट में आ गए हमने सभी चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना लिए अब इसे यहां तीसरी चैन से स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे अब चैन के अंदर दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हम इसे इस तरह से ले जाके इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे फिर यहाँ पे शुरू में हम तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद इसी जगह एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं तो हमारे इसमें दो डबल क्रोशिया हो गए दो डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ पे बीच में एक चैन बनाएंगे फिर इसी जगह पे हम इसमें दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो हमारी ए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे चार डबल क्रोशिया हो जाते हैं लेकिन दो डबल क्रोशिया के बाद इसमें हम एक चैन बनाते हैं फिर अगले डबल क्रोशिया के अंदर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे तो बैक पोस्ट लेने के लिए क्रोशिया को पीछे से लेते हैं और अपने डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पीछे से लूप निकाल के फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह हमारा बैक पोस्ट बन गया अगले डबल क्रोशिया के अंदर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट में आगे से क्रोशिया को डबल क्रोशिया के नीचे से लेते हैं इस तरह से यहाँ पे मैंने ये फ्रंट पोस्ट बना दिया फिर अगले वाले में हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर आगे दो डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक ही जगह पे, पे चार डबल क्रोशिया बनाने एक दो डबल क्रोशिया बनाए फिर एक चैन बनाएंगे फिर यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे चार डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक चैन बनानी फिर चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले डबल क्रोशिया को तो छोड़ देंगे जिसमें हमने चार डबल क्रोशिया बनाए थे उससे अगले डबल क्रोशिया के अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे तो बैक पोस्ट के लिए लूप लेते हैं और क्रोशिया को पीछे से अपने डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ले जाके पीछे से लूप लेते हैं तो, तो हमारे डबल क्रोशिया ऊपर से आता है इसमें अब उससे अगले के अंदर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फ्रंट पोस्ट में हमारे डबल क्रोशिया के नीचे से जाता है इस तरह से अगला फ्रंट पोस्ट बनाया उससे अगले में फिर वापस से हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर आगे दो डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक ही जगह पे चार डबल बनाना बनाने तो शुरू में मैं एक दो डबल क्रोशिया बनाया फिर बीच में हमें एक चैन बनाएंगे फिर इसी जगह दो डबल क्रोशिया और बनाते हैं। इससे हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए फिर इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे अगले वाले के अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे फिर उससे अगले के अंदर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फिर उससे अगले के अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है हमें इस तरह से बनाना है दो डबल क्रोशिया के बीच में तो हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है चार डबल क्रोशिया बनाने के तो बाद एक बैक पोस्ट फिर एक फ्रंट पोस्ट फिर एक बैक पोस्ट फिर दो डबल क्रोशिया के बीच में चार डबल क्रोशिया इस तरह बनाते अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ मैं इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है अब इसके पास में हमें एक बैक पोस्ट बनाना है तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया है तो इस पास वाले में मैं एक बैक पोस्ट बना लूँगी एक डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे अभी से यहाँ पे तीसरी चैन से यहाँ स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं ज्वाइन करने के बाद जहाँ पे हमने चैन बनाई थी वहाँ पे से स्लिप चैन से हम ले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे शुरू में तीन चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम फिर एक चैन बनाएंगे फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है जहाँ पे हमने अपनी चैन बनाई थी लेकिन दो डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चैन बनानी है अब इस वाले डबल क्रोशिया को तो चैन के पास वाले को तो छोड़ देंगे अगले के अंदर यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट और बनाएंगे पिछली बार हमारा चार डबल क्रोशिया के साथ में एक बैक पोस्ट था इस बार हमारे दो बैक पोस्ट हो जाएंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है बैक पोस्ट के ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है अब जो चार डबल क्रोशा उसमें से पहले डबल क्रोशिया हमें तो बैक पोस्ट बनाएंगे और जहां पे हमने चैन बनाई थी वहां पे हमें चार डबल क्रोशिया बनाने, पहले दो डबल क्रोशिया बनाने, फिर हमें एक चैन बनानी है फिर इसी जगह हमें दो डबल क्रोशिया और बनाने। फिर आगे इस वाले को छोड़ देंगे चार में से पीछे वाले में जो लास्ट वाला है उसके अंदर एक बैक पोस्ट बनाएंगे फिर बैक पोस्ट के अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह हमारे इस बार हमारे चार डबल क्रोशिया के दोनों साइडों में दो दो बैक पोस्ट हो जाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट इस तरह हमारा ये सेकेंड राउंड कम्प्लीट हो इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है अब इसके पास में एक डबल क्रोशा उसके अंदर तो बैक पोस्ट बनाएंगे फिर जो हमने शुरू में तीन चैन थी जिनको हमने छोड़ दिया था उसके अंदर भी हम एक बैक पोस्ट बना लेंगे तो कुल हमारे दो बैक पोस्ट हो गए फिर इसे यहां तीसरी चैन से स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे फिर वापस से स्लिप चैन से इसके सेंटर में पहुंच जाएंगे हम यहाँ पे और यहां पे तीन चैन बनाएंगे पर इसी जगह चैन के अंदर एक डबल क्रोश और बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे और इसी जगह दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे दो डबल क्रोशिया अब इस बार हमारे तीन फ्रंट पोस्ट सॉरी बैक पोस्ट हो जाएंगे एक तो हमारे चार में से पीछे वाले में एक बैक पोस्ट बनाया फिर दो बैक पोस्ट हैं उनके अंदर दो के अंदर दो बैक पोस्ट बनाएंगे इसी तरह से हमारे सभी राउंड निकलेंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है हर जगह और बैक पोस्ट के ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है जो सेंटर में हम चार डबल क्रोशिया बनाते हैं उनमें से चैन वाली जगह तो हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है और जब चार डबल क्रोशिया के पहला वाला डबल क्रोशिया रहता है इसके अंदर हमें एक बैक पोस्ट और बनाना है तो हर बार हमारे दोनों साइडों में एक एक बैक पोस्ट बढ़ जाता है तो इस बार हमारे तीन हो गए अब चैन वाली जगह पे हम इसमें चार डबल क्रोशिया बना देंगे एक दो फिर एक चैन फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशिया और एक दो अब हमारा चार में से लास्ट वाला डबल क्रोशिया आ गया अब इसके अंदर हम एक बैक पोस्ट और बना देंगे तो हमारे दोनों तरफ हमारे एक एक बैक पोस्ट हर बार बढ़ जाता है एक अब दो बैक पोस्ट है इनके अंदर दो बैक पोस्ट के अंदर हम दो बैक पोस्ट बना देंगे अब हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह दें से हमारे सभी राउंड निकलेंगे जहाँ चार डबल क्रोशिया है चैन है वहां पे चार डबल क्रोशिया बनाने चार में से बीच वाले के अंदर चैन वाले के अंदर तो चार चार डबल क्रोशा बन जाएंगे और फर्स्ट और फोर्थ पहला और चौथा है इनके अंदर हमें एक एक फ्रंट पोस्ट सॉरी बैक पोस्ट हमारा बढ़ता जाएगा तो हर बार हमारे फ्रंट पोस्ट के बीच में दो दो बैक पोस्ट बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा तो मैं सभी रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये सभी रो निकाल ली है इसके अंदर कुल मैंने ये सात रो निकाल ली है जिसे हमने बैक पोस्ट बनाया दो तीन चार पांच छ सात इस तरह हमारी कुल सात रो निकली है एक दो तीन चार पाँच छ सात सात रो हमारी तो बैक पोस्ट की निकली है और एक रो जो हमने डबल क्रोशिया की निकाली थी वो निकली इस तरह कुल इसके अंदर हमने आठ रो निकाली और इसके बाद मैंने अपने यहाँ स्लिप चैन से जोड़ दिया है अब इसके अंदर यहाँ पे ऊपर व्हाइट कलर की ऊन से वर्क करेंगे जिस तरह से अपने ये सभी रो बनाई है उसी तरह से हम व्हाइट कलर की ऊन से वर्क करेंगे इस तरह से मैंने इस ड्रेस में कंप्लीट किया है इस तरह से ऊपर की तरफ इसमें व्हाइट कलर की ऊन से वर्क करूंगी तो इसी तरह से इसमें वर्क करेंगे आगे बॉर्डर चाहे तो आप बॉर्डर बना सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर राउंड नेक पे बना लें यहां पे आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं तो ये दोनों काम कंप्लीट करती हूँ लास्ट वाली रो भी जिस तरह से हमने अपनी सभी रो बनाई थी उसी तरह से अपनी ये रो बनेगी और आगे का बॉर्डर बना के इसे मैं कंप्लीट करती हूँ इससे बनाते हुए मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है व्हाइट की रो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आगे का बॉर्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने इस तरह से डोरी डाल दी है कि आपके ऊपर ऑप्शनल है आप इसे चाहें तो डाल ले नहीं इस तरह की तरह से सिंपल भी रख सकते हैं अब इसके साथ के हम कैप बनाएंगे कैप बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मैजिक रिंग के अंदर हम तीन चैन बनाते हैं एक डबल क्रोशिया तो गया अब इसके अंदर हम ग्यारह डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने इसके अंदर कुल बारह डबल क्रोशिया बना के इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर लिया है अब यहाँ पे शुरू में तीन चैन बनाएंगे पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे फिर अगली चैन के अंदर एक बनाएंगे और उससे अगली के अंदर दो बनाएंगे इस तरह एक चैन के अंदर में एक बनाना है और दूसरे के अंदर हमें दो बनाना है इससे बनाते इसके लास्ट में आएंगे तो हमारे कुल इसमें अट्ठारह डबल क्रोशिया हो जाएंगे तो मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया इसके अंदर हमारे अट्ठारह डबल क्रोशा हो गए अब इसके अंदर हम तीन चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हम एक एक सिंगल सॉरी एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे तो अट्ठारह चैन के अंदर हमारे अट्ठारह डबल क्रोशा हो जाएंगे इस तरह निकालते हुए इसके अंदर हम दो या तीन रो जितनी आपको कैप की लंबाई चाहिए उस हिसाब से निकाल लें तो मैं इसके अंदर ये रो कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने दो रोई निकाली है तो कुल हमारी इसमें चार रो हो गई है अब यहां पे अपनी व्हाइट कलर की ऊन को ज्वाइन कर लेंगे डबल क्रोशिया के अंदर हम वर्क करेंगे हम इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में यहां तीन चैन बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया तो हमारा ये हो गया अब इसी जगह इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए अगले के अंदर भी हम एक के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर उससे अगले के अंदर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह बनाते अपन इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ और हमारी कैप भी कंप्लीट हो जाती है इस तरह हमारी कैप भी कंप्लीट हो गई है हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you for watching my video.